हेलो एवरीवन, दिस इज मी मनोज, योर इंग्लिश कोच. वेलकम टू लव इंग्लिश. और आज के लेसन में द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम चैप्टर की समरी को डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल. एक बार एक बूढ़े दंपति रहते थे, हस्बैंड एंड वाइफ. दे हैड अ पेट डॉग, और उनके पास एक पालतू कुत्ता था. दे हैड नो चाइल्ड, और उनका कोई बच्चा भी नहीं था. दे लव द डॉग एज इफ इट वर अ बेबी, और वो डॉग से इतना प्यार करते थे जैसे कि वो एक छोटा सा बच्चा हो. द डॉग वॉज कॉल्ड मूको, और डॉग का नाम था मूको. द काइंड कपल फेड द डॉग विद देयर ओन फॉक्स, और जो वो दंपति थे, हस्बैंड एंड वाइफ, वो बहुत ही दयालु थे और उस डॉग को अपने ही फोक यानी चम्मच से खाना खिलाते थे. इन रिटर्न द डॉग ऑल्सो लव देम मच, और वो जितना प्यार करते थे कपल डॉग को, तो डॉग भी उनसे उतना ही ज्यादा प्यार करता था. द ओल्ड मैन वॉज अ फार्मर, और जो ओल्ड आदमी था, जो ओल्ड मैन था, वो एक फार्मर था, किसान था. एवरी मॉर्निंग मूको फॉलोड हिम टू हिज फील्ड्स, और हर दिन हर सुबह जो मूको उसको उनकी जो खेत तक पीछा करता था उनका. अ हेरन वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप वर्म्स. हेरन एक बर्ड होता है जिसकी चोंच लंबी होती है. वो ओल्ड मैन के जो पैरों के जो निशान होते हैं उनमें से कीड़ों को खाता था. लाइक हिज मास्टर द डॉग ऑल्सो नेवर हार्म्ड द बर्ड, और जैसे वो उनके मास्टर थे, मास्टर मीन्स ओल्ड मैन, तो डॉग भी उस बर्ड को कोई हानि नहीं पहुंचाता था क्योंकि वो बर्ड भी बहुत अच्छा काम कर रहा था कीड़े को खाकर उनके खेतों में से. वन डे द डॉग पुट हिज पॉज अगेंस्ट द ओल्ड मैन्स लेग. एक दिन कुत्ते ने अपना जो पैर बूढ़े आदमी के पैर में लगाया. ही मोशनड विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड. फिर डॉग ने उनको अपने सिर के इशारों से पीछे एक जगह थी वहां पे इशारा किया. टू प्लीज हिज पेट, अपने पालतू कुत्ते को खुश करने के लिए, द ओल्ड मैन फॉलोड हिम. ओल्ड मैन ने डॉग को फॉलो किया. एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम देयर, वहां से कुछ दूरी के बाद द डॉग स्टॉप, वो डॉग रुक गया. इट स्टार्टेड स्क्रैचिंग द ग्राउंड, और फिर वो डॉग वहां पे जमीन को स्क्रैच करने लगा, घिसने लगा. टू हेल्प हिज पेट द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ. अपने डॉग की हेल्प करने के लिए ओल्ड मैन के पास जो एक औजार था, हो था कुदाली, उन्होंने जमीन में लगाई. नाउ देयर वाज अ पाइल ऑफ गोल्ड बिफोर हिम, और वहां पे उनको बहुत सारा सोने का एक, तो वहां पे उन्हें बहुत सारा सोना मिला. सो द ओल्ड कपल बिकेम रिच, और जो ओल्ड कपल थे वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अमीर हो गए. दे गेव अ फीस्ट टू देयर फ्रेंड्स एंड हेल्प द देयर पुअर नेबर्स. फिर उन्होंने अपने दोस्तों को दावत पे बुलाया, दावत दी उन्हें, और जो जो गरीब पड़ोसी थे उनकी भी उन्होंने बहुत मदद की. इन द सेम विलेज, और उसी विलेज में, उसी गाँव में, दे लिव्ड अ विकेट ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. वहाँ पे एक बहुत ही विकेट का मतलब होता है जो कि बहुत बैड पर्सन होते हैं, बहुत बेकार धूर्त टाइप के. वहाँ पे एक ओल्ड मैन और उनके वाइफ रहते थे. दे ब्रॉट द डॉग इन टू देयर गार्डन. फिर उन्होंने भी उस डॉग को अपने गार्डन में लेके आए. दे सेट बिफोर हिम गुड फूड, और डॉग को बहुत अच्छा अच्छा खाना दिया, उनके सामने रख दिया डॉग के सामने. बट द डॉग वॉज अफ्रेड, पर जो डॉग था वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था. ही नीदर एट नॉर मूव, उसने खाना भी नहीं खाया और वो वहां से हिला भी नहीं. दे ड्रैग द डॉग आउट ऑफ डोर्स. फिर उन्होंने उस डॉग को, मूको को, दरवाजे से खींचा बाहर. दे वॉक्ड विद हिम, फिर वो उसके साथ चले. व्हेन दे रीच्ड अ पाइन ट्री, वहां पे एक ट्री थी, पाइन का पेड़ था, चीड़ जिसको हम बोलते हैं. द डॉग बिगेन टू स्क्रैच द ग्राउंड, और फिर वहां पे डॉग ने फिर से वहां पे जमीन को घिसना शुरू किया. द विकेट कपल वॉज डिलाइटेड, और जो कपल थे धूर्त कपल, बहुत ज्यादा खुश हो गए. बोथ ऑफ देम डग द ग्राउंड, ऑफ इन दोनों ने जमीन खोदा. व्हाट दे गॉट वाज अ डेड किटन, और उनको क्या मिला, एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा. द कपल वाज वेरी एंग्री, और वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी हुए, गुस्से हुए. दे किल द डॉग, उन्होंने डॉग को मार दिया. देन दे फ्लंग हिम इन टू द होल दे हैड डग. फिर उन्होंने उसको, जो उन्होंने गड्ढा खोदा था उसमें उसको फेंक दिया. दे हीप द अर्थ ओवर हिज कार्कस, और जो अवशेष था, जो उसकी लाश थी डॉग की, उसके ऊपर उन्होंने मिट्टी डाल दी. द इंसिडेंट ऑफ द डॉग्स डेथ रीच्ड द ईयर ऑफ इट्स ओनर, और जो घटना हुई, जो डॉग की जो डेथ हुई, वो उनके मालिक के कान में गई. ही फेल सो सैड एज इफ ही हैड लॉस्ट हिज ओन सन, वो बहुत ज्यादा दुखी हुए, वो इतना दुखी हुए जैसे कि उन्होंने अपना खुद का बेटा खो दिया हो. ही वेंट टू द प्लेस वेयर हिज पेट हैड बीन बैरिड, और फिर वो जगह भी गए जहाँ पे उस कुत्ते को दफनाया गया था. बैरिड का मतलब होता है दफनाना. He mourned for a long time, और फिर वो बहुत ज्यादा शोक में चले गए लंबे टाइम तक. He called him many dear names as if he were alive, और फिर जो ओल्ड मैन थे उन्होंने बहुत सारे नाम लिए
डॉग को, डॉग के लिए बहुत सारे नाम लिए, जैसे कि वो मानो कि वो जिंदा हो। दैट नाइट ही सॉ हिज डॉग इन हिज ड्रीम्स, और उसी रात उन्होंने अपने डॉग को अपने ड्रीम सपने में देखा। द डॉग आस्क्ड हिम टू कट द पाइन ट्री, फिर डॉग ने उन्हें बोला कि जो वो चीड़ का पेड़ है आप उसको काटेंगे, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार, और फिर आप उनसे एक मोर्टार बनाएंगे। मोर्टार क्या होता है, एक कटोरे शेप का होता है जिसके अंदर हम मसाले पीसते हैं। ही ऑल्सो आस्क्ड हिम टू मेक फ्रॉम दैट वुड अ मिल, और फिर उन्होंने और डॉग ने उनसे ये भी बोला कि उस लकड़ी से आप एक मिल बनाएंगे। मिल होता है जिससे कि आप चीज़ों को पीसते हैं। द ओल्ड मैन डिड एज ही वाज टोल्ड, फिर उस बूढ़े आदमी ने वैसे ही किया जैसे उनको बताया गया था। विथ मच लेबर, उन्होंने बहुत मेहनत की। ही मेड अ स्मॉल बोल ऑफ द वुड, उन्होंने लकड़ी का एक कटोरी बनाया। देन ही मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, फिर उन्होंने लकड़ी का एक हथौड़ा बनाया लंबा सा। When the new year drew near, जैसे कि नया साल जैसे ही पास आया, he decided to make some rice pastry. फिर उन्होंने चावल की पेस्ट्री बनाने का डिसीजन लिया। They put the boiled rice in the wooden mortar. फिर उन्होंने उबले हुए चावल को मोटार में, यानी कि जो कटोरी थी जिसमें कि उनको पीसा जाएगा, उसमें रखा। The old man used the wooden hammer to pound the mass into dough. फिर उस बूढ़े आदमी ने उस लकड़ी के हथौड़े से, पाउंड का मतलब होता है क्रश करना, पीट पीट के किसी को पीसना, उसको हम पाउंड बोलते हैं, और डो का मतलब होता है जो हम लई बनाते हैं। टू पाउंड द मास इन डो, फिर उन्होंने जो बॉइल्ड राइस था उसको बहुत ही क्रश किया, पाउंड किया, और उसे उन्होंने एक डो बनाया। व्हेन द पेस्ट्री वाज रेडी फॉर बेकिंग, और जैसे पेस्ट्री रेडी हो गई थी बेक करने के लिए, इट टर्न्ड इनटू अ मास ऑफ गोल्ड कॉइन, और फिर वो एक सोने के सिक्के में बदल गया, बड़ा सा सोने का सिक्के में बदल गया। द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, और फिर जो लेडी थी ओल्ड मैन, उन्होंने ओल्ड वुमन, उन्होंने हैंड मिल लिया, एंड फिलिंग इट विथ बीन सॉस बिगिन टू ग्राइंड, फिर उन्होंने बीन सॉस लिया पीसने के लिए, ग्राइंड का मतलब था पीसना। द गोल्ड ड्रॉप लाइक अ रेन, और फिर उसमें से बहुत सारे सोने की बरसात हुई। एट दिस मोमेंट द एनवियस नेबर पीड इन द विंडो, और इसी मोमेंट पे, इसी क्षण पे जो उनके जो पड़ोसी थे जो उनसे जलते थे, एनवियस का मतलब था जलना, वो खिड़की से झांक रहे थे। ही डिसाइडेड टू बोरो द मिल, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो ये मिल है, जो कटोरी, जो लकड़ी का हथौड़ा है, वो उनसे उधार लेंगे। द ओल्ड कपल रेडली गेव देयर मिल टू देयर नेबर, जो ओल्ड कपल है उन्होंने बहुत ही आसानी से, यू नो रेडली का मतलब था जल्द में, उन्होंने अपना मिल अपने पड़ोसी को दे दिया। द मैन बिगिन टू पाउंड द राइस एंड द वुमन बिगिन टू ग्राइंड, फिर जो आदमी था उसने चावल को पाउंड करना शुरू किया, क्रश करना शुरू किया, जो लेडी थी उन्होंने पीसना शुरू किया। हाउएवर दिस टाइम द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न्ड इनटू वर्म्स, इस बार जो पेस्ट्री थी चावल की और जो सॉस था वो कीड़ों में बदल गई। दे ब्रोक द मिल, उन्होंने उस मिल को तोड़ दिया इनटू पीसेस टू यूज इट एज फायरवुड, और फिर उन्होंने मिल को तोड़ दिया और उसके जो पीसेस थे उसको आग जलाने के काम में लाए। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट ग्रीड, ये एक लालच भरी कहानी थी, और हमने देखा कि डॉग कितना लव करते थे अपने ओल्ड कपल को, एंड ओल्ड कपल भी उनको अपने सन की तरह ट्रीट करते थे। आई होप यू अंडरस्टूड एंड लर्न समथिंग इन दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन एवरीवन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर लेसन लाइक दिस। चेक आउट अदर वीडियो लेसन बाय क्लिकिंग ऑन द वीडियो।